हरि ओम, वेलकम टू ज्ञानोदय विद्यालय। आज मैं हिंदी के सेट को लेकर के उपस्थित हूँ, जो कि ये सेट बी है और ये एग्जाम 20 अक्टूबर को हुई थी, जो कि अब इसका हम फुल डिस्कशन देने वाले हैं। पत्थर शब्द है, पत्थर सम तद्भव है, क्योंकि ये प्रस्तर से मिलकर के बना, प्रस्तर से बना है। जैसे कि जितने सारे संस्कृत शब्द हैं वो सभी के सभी तत्सम हैं और उसी का बिगड़ा हुआ जो रूप है वो तद्भव कहलाता है। तो प्रस्तर संस्कृत हो गया और उसी का बिगड़ा हुआ रूप पत्थर है, इसलिए ये तद्भव होगा। व्यंजन वर्णों की तीन श्रेणियां हैं। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है उष्ण व्यंजन और तीसरा है अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में बोल सकते हैं क से लेकर के म तक, कवार्ग, चवार्ग, टवार्ग, पवार्ग, ये जो है से कि 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और उष्ण व्यंजन 4 होते हैं। जैसे कि आपको तीनों स और एक ह मिलकर करके उष्ण व्यंजन बना है और तीसरा है अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपका है गाय। गाय शब्द के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो गाय जातिवाचक भेद के अंतर्गत आता है, जातिवाचक भेद के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप गाय, तो गाय इसके अंतर्गत बहुत सारे गाय होते हैं, जैसे कि सहवाल हो गए, फ्रीजन हो गए, बहुत सारे गाय आते हैं, तो उसमें जाति का बोध किया जा रहा है गाय, इसलिए ये जातिवाचक होगा। आपका अगला है 94 क्वेश्चंस। जैसे कि यर अलावा अभी हम जस्ट बताए हैं कि आपका स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, उष्ण व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, जो कि य, र, ल, व, ये 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, तो आपका यह अंतस्थ व्यंजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना के आधार पर हिंदी में कितने कारक होते हैं, जो कि आप लोग पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को करण से इटीसी, तो ये 8 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, जो कि आप लोग को इस सब क्लास में से इससे बड़ा बड़ा चीज हम बता चुके हैं, जो कि ये सिंपल पूछा है, लेवल को एकदम इस बार क्वेश्चन एकदम आसान आया था। देखा जाए पिछले बार के मुताबिक तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा, जैसे कि हिंदी ही नहीं, आपको हिंदी पे ही नहीं देखना है, इस बार आपको हिंदी पूछ दिया, अगले बार बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको उठा करके दे देगा, इस पे आपको ध्यान रखना है। हम आपको ट्रिक दे देते हैं, जैसे कि भारत में जितने सारे अभी तत्काल में भाषाएं बोली जा रही है ना, क्षेत्रीय भाषाएं जितने सारे के सारे क्या हैं, आपको देवनागरी भाषाएं में लिखी जाती है। जैसे कि हिंदी भाषा में अभी मुख्य रूप से हम बता देते हैं आपको, ये गुजराती हो गया, राजस्थानी, बोडो, डोगरी, ये सब जितने सारे हैं, सब के सब आपको देवनागरी भाषाएं में ही लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आप सिंपल हैं, प्रत्यय कहते हैं किसको, तो प्रत्यय आप लोग को हजार बार बोल चुके हैं कि किसी भी शब्द के अंत में लग कर उसके अर्थ को परिवर्तन ला दे, उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। तो आपका ये हो गया, इसके अंत में भीच में क्या है, भिक्षा में क्या लग गया है, आपका उक प्रत्यय लगा, उसी से बन गया है भिक्षुक। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौबत। नौबत शब्द का अर्थ क्या होता है? नौबत कहते हैं जैसे कि अरे मेरे पास तो ऐसा नौबत आ गया है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो नौबत कहने का मतलब सिचुएशन, और ये जो है सिचुएशन सिंपल सी है, नौबत आ गई, परिस्थिति है ना, उपाय, उपाय तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है, आपका जो है समाधान ये भी नहीं, समस्या प्रॉब्लम ये भी नहीं हो पाएगा, है ना, नौबत, नौबत मतलब सिचुएशन, यही आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो आपका भाववाचक संज्ञा, जैसे कि एक हम सिंपल ट्रिक आपको दे रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि संज्ञा में यदि पन लग गया,
एकदम ध्यान रखिएगा, संज्ञा में यदि पन लग गया उस समझिए कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि लड़कपन, एकदम सिंपल पूछा गया, कुछ घुमाया उमाया नहीं है, एकदम सिंपल एकदम उठाया क्वेश्चन और डाल दिया है। चलिए अगला है क्वेश्चन, कदम का पेड़। बताइए कितना बार, हजार बार आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कदम का पेड़, आप लोग तो याद किए हुए हैं, यह कदम का पेड़ अगर मां यमुना होता धीरे, है ना, इस तरह से आप लोग याद भी कर चुके हैं। चलिए तो ये कौन लिखे हैं, आप लोग भली भांति से अवगत हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। बताइए कितना बार जो है से कि जे कि 5 सितंबर को गुरु जी, जैसे 5 सितंबर को भी हम बताए थे, इनके बारे में भी चर्चा किए थे, और सारे द्रोणाचार्य कौन कौन गुरु के बारे में जो है कि सब बता चुके हैं हम आप लोग को, अब क्या हम यह करें। तो ये क्या है, नरहरि दास है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है, नरहरि दास है। आप देखिए एकदम सबसे आप लोग का फेवरेट, जो कि हजार बार तो कही, हजार बार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर जान लीजिए कि आपको 31 times तो जरूर बताए हैं। जैसे कि 6 है, किस व्यंजन की श्रेणी में आता है, तो 6 जो है किससे मिलकर के बना है, क प्लस में मूर्धनी स मिलकर के क्या बना है आपका, यह 6 बना है, जो कि एक आंसर होगा संयुक्त, संयुक्त के श्रेणी में आता है, यानी दो वर्णों से मिल करके बना है, उसी को ना संयुक्त कहेंगे। जैसे संयुक्त में क्या होता है, छ त्र स्र ये सब क्या है, संयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद क्रम की दृष्टि से सही वाक्य कौन है। तो ये भी हम बोल चुके हैं कि आपका दर्शन हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, इसके वचन क्या है, बहुवचन है, बहुवचन में आते हैं। तो इस वाक्य में देखिए तो कौन सा बहुवचन है, जैसे कि आपका मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये नहीं होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, एकदम सही है। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से संबंध नहीं है। अब इसमें आप लोग देखिए, भागीरथी, गंगा, मंदाकिनी, ये सब क्या है, एक जैसा है, किसी एक का पर्यायवाची शब्द है, जैसे कि गंगा का मान लीजिए, या तो भागीरथी का भी मान सकते हैं, वो सब एक ही अति का नाम है। और ये आपका महाकाय होता है, महाकाय मतलब भयंकर, है ना, भयंकर बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं बहुत बड़ा कह सकते हैं, तो ये आपका नहीं है। अब इस पे ध्यान देना है कि ये जो है नहीं लगा हुआ है, ऐसा ना हो कि यहाँ भी भागीरथी देख लिए, पर्यायवाची अच्छा गंगा मार टिक कर दिए, नहीं, ये नहीं पे आपको ध्यान देना है, महाकाय इसमें होगा। नेक्स्ट देखा जाए, किसके बिना कोई शब्द वाक में बैठने योग्य नहीं होता है, ये चीज बताइए। हम बोले थे कि आप कारक के बिना एक पग भी नहीं चल सकते हैं, इसीलिए जब हम वाक पढ़ा रहे थे तो उस समय हम बोले थे कि वाक हम तभी पढ़ाएंगे जब आपको कारक कंप्लीट हो जाएगा। तो वाक पढ़ाने से पहले हम आपको कारक पढ़ाए थे, इसीलिए क्योंकि कारक पद के बिना उसमें कारक का प्रयोग होगा तभी जाकर के आप सही शुद्ध उच्चारण आप कर सकते हैं या शुद्ध आप वाक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकत्र शब्द का विलोम। एकत्र कहने का मतलब इकट्ठा करना, जमा करना, आ विकीर्ण मतलब फैलाना। आप विकीर्णन आप आगे स्कैटरिंग आप पढ़िएगा, नेक्स्ट साइंस में आपको पढ़ना है, फैलता है, स्कैटरिंग होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये आपका हो गया 106 का, या डी हो जाएगा, है ना। 107 नंबर क्वेश्चन है, गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ है ये, और बोलिए, जैसे कि आप लोग में भी है, क्लास में जब टीचर नहीं रहते हैं तो आप लोग गाल बजाते रहते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, गाल बजाते कहने का मतलब डिंग हाँकते रहते हैं, हम ये हैं तो ये चैप्टर बना लिए, इस बार आप पीछे हैं तो वो हैं, तरह तरह की बात आप लोग करते रहते हैं। तो डिंग हाँकना ये होता है, और बाकी ये सब ऑप्शन उसके जैसा नहीं है, एक प्रकार का बाजा ये हो सकता है, गाल बजाना एक प्रकार का बाजा हो सकता है, नहीं। चलिए एक प्रकार की बीमारी ये भी नहीं होगा, पूजा करना नहीं, डिंग हाँकना होता है, गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? देखिए, अब योग ना होने पर भी जो साथ रहे वो कौन है? आपका अन और अह, अयोग वाह। ये क्या है? अयोग वाह है, जो कि इनका कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमेशा आपके साथ हैं। जब इनकी आवश्यकता पड़ती है तो आपके साथ सहयोगी ये बन जाते हैं, उस शब्द के साथ में सहयोगी बन जाते हैं। चलिए, परनिश्चित भाषा देखिए, थोड़ा सा समझने का फेर है इसमें। जो परनिश्चित जो भाषा लिखा गया है ना, इसमें आप समझिए, ये जो है परनिष्ठित जो भाषा है इसको आदर्श भाषा भी कह सकते हैं, है ना। जैसे कि आदर्श भाषा तभी हो सकता है, जैसे आपको इसमें बोला गया है कि किससे नियंत्रित होती है ना, तो ये व्याकरण से नियंत्रित होती है। अब क्यों कहेंगे कि व्याकरण से नियंत्रित होती है? तो जब तक आप उसमें शुद्धिकरण नहीं लाइएगा, जब तक आप शुद्ध ना कीजिएगा उसको, तो वो आदर्श कैसे कहलाएगा? जैसे कि आप बड़े हो जाएगा तो, और आपको आदर्श पंचायत के बारे में जानते होंगे कि वो उसमें बहुत अच्छा चीज़ व्यवस्थाएं होती है, स्ट्रीट लाइट लग जाती है ना, तो आदर्श पंचायत बन जाता है, बहुत अपनी विशेषता उस पंचायत का हो जाता है। तो उसमें भी क्या है, व्याकरण से उसको नियंत्रित किया जाता है, परिनिष्ठित भाषा को, आदर्श भाषा को किससे किया जाता है? व्याकरण से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द जो है भाष से मिलकर के बना है, भास धातु से बना है ना। ये है भास धातु से मिलकर के बना है। चलिए, निम्न में कौन अव्ययी भाव समास है? निम्न में कौन अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास हम आपको बताए थे कि अव्ययी भाव समास में आपको सबसे ज्यादा शब्द मिलेंगे उसमें उपसर्ग लगा हुआ रहेगा। फर्स्ट ही में उपसर्ग देख लिए, यानी समझ जाइए कि वो क्या है, अव्ययी भाव समास है। और उसके साथ में क्या होगा, अव्यय, पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा, है ना। तो इसमें देखिए, तो ये प्र है, क्या है, उपसर्ग है, ब है उपसर्ग है, यथा ये क्या है, अव्यय है, यथा क्या है, अव्यय है। तो ये तीनों क्या है, अव्ययी भाव समास है। लेकिन इसमें हम क्वेश्चन पूछा क्या है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, तो नहीं है तो यही ना होगा। ये भी अलग है, मतलब डिफर है, अलग है, सबसे अलग है। मद, मद माता, मद से माता, ये क्या होगा, करण तत्पुरुष होगा, है ना। आपका भाषा के ध्वनि संकेत होते हैं। अब बताइए, भाषा के ध्वनि संकेत है ना, हम लोग जो भाषा बोलते हैं उसका ध्वनि का संकेत क्या होगा, इसमें आपका रूढ़ होगा। क्योंकि देखिए, यौगिक है, यौगिक आप लोग जैसे मिश्रण दो शब्दों से मिल करके बनता है और दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। लेकिन यौगिक जो है, यौगरूढ़ है, सॉरी, यौगरूढ़ जो है ये दो शब्दों से मिल करके बनता है, लेकिन ये विशेष प्रकट अर्थ अर्थ प्रकट करता है ना, विशेष अर्थ प्रकट करेगा, ये जो है विशेष अर्थ प्रकट करता है। इसलिए भाषा के ध्वनि संकेत क्या होंगे, रूढ़ होंगे। रूढ़ में क्या होंगे, इसको खंड कीजिएगा तो ये क्या होगा आपका, ये अर्थ नहीं देगा, है ना, ये अर्थ नहीं देता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बिना जड़ का पेड़ शीर्षक पाठ में आप लोग कोम्पल पढ़े होंगे, है ना, उसी से ये पूछा है। आप लोग कोम्पल हमेशा, आप देखिए कि बोले भी हैं कि जब मन ना लगे तो आप लोग कोम्पल पढ़ लिया कीजिए, है ना। तो बिना जड़ का पेड़ शीर्षक पाठ में राजा के दरबार में संदूक के साथ कौन पहुंचा था? तो वो व्यापारी पहुंचा था, उसमें करतूस वगैरह लिए हुए था, है ना। तो ये क्या होगा, व्यापारी होगा, जो कि आप लोग इस क्वेश्चन से अवगत हैं। चतुर चित्रकार, देखिए फिर एक और क्वेश्चन कोम्पल से ही पूछा गया है। चतुर चित्रकार शीर्षक कविता में जल्दी से नाव चलाकर दूर कौन निकल गया था, है ना। तो चतुर चित्रकार ये है, कौन निकला था नाव चला करके, तो चित्रकार भाग गया था। जैसे कि शेर आया था, वो बोला कि मेरा फिगर बनाओ, है ना, तो चित्रकार, वो शेर का कभी फिगर सामने हकीकत शेर का बना सकता है, वो डर गया बेचारा, वो चतुर था, वो बोला कि आप अपना चेहरा आगे की ओर कर लीजिए,
पीछे से हम आपका बना रहे हैं, चेहरा आगे की ओर करता है तब तक वो चतुर ये जो चतुर चित्रकार है वो नाव चलाता है और नदी पार करके भाग जाता है, बहुत दूर निकल जाता है। तो ये चित्रकार होगा। जमीन पर पैर ना पड़ना है ना, कुछ ऐसे भी होते हैं लोग कि उनका हमेशा एकदम पैर हवा में रहता है, जमीन पे पड़ता ही नहीं है, है ना। तो वो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, घमंडी कहलाते हैं, जिनका जमीन पे पैर होता ही नहीं है, है ना। तो घमंडी आप लोग नहीं बनिएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुव्रीही समास का उदाहरण कौन है, है ना। तो इसमें पहचानिए, बहुव्रीही समास हम आप लोग को बताए हैं कि बहुव्रीही समास में आपका क्या होता है कि एक पद प्रधान होता है। इसमें सबसे ज्यादा बड़ी सबसे पहली बात है किसकी पहचान ये है कि आप इसको तीसरा अर्थ प्रकट करता है, सबसे पहला पॉइंट। जैसे कि इसमें पकड़िए आप माता पिता, ये तो दोनों पद प्रधान है, है ना। तो जो दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व होते हैं। आपका हो गया लंबोदर, देखिए यही है, लंबोदर किनको बोलते हैं, गणेश जी को, है ना। तो ये आपका यही आंसर होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है, पिछले बार की अपेक्षा एकदम सिंपल पूछ दिया गया है क्वेश्चन, है ना। बलहीन, बल से हीन, क्या होता है, बल से हीन, ये करण तत्पुरुष हो गया। निर्जन, हम बोले हैं कि जिसमें उपसर्ग लगा हुआ रहेगा, है ना, वो क्या होता है, बहुव्रीही समास होता है। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। सूर्य का पर्यायवाची है, है ना, सूर्य का पर्यायवाची, देखिए जितना कर रहे, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, रवि, ये सब के सब क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं, है ना। आपका वारिद क्या है, बादल का है, है ना। और चारु क्या है, ये सुंदरता के सेंस में आता है, चारु। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आप लोग नहीं पे ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ बच्चे क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग लगा है, अब देख लिए अ ए में ही, है ना। आप लोग का बचपना तो अभी गया नहीं है, तो आप लोग गलती कर ही करवे कीजिएगा, है ना। तो इस पे ध्यान देना है। तो अवगत हो गया, अवनत हो गया, ये भी है ना, अवरोहण, ये भी क्या है, उपसर्ग, अव उपसर्ग से ही बना है। आगमन, आगमन कौन सा उपसर्ग इसमें है, आ से। तो इसमें पूछ दिया है आपका कि नहीं हुआ है, तो आगमन में आपका अव का प्रयोग नहीं हुआ है। ईद शीर्षक पाठ का असलम किसके साथ रहता है, है ना। तो ये कहानी आप लोग कॉम्पल से पढ़े हैं, जो कि बताइए कॉम्पल का महत्व कितना है। हम आप लोग को यह करते रहते थे कि आप दिन में कॉम्पल आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहिए व्याकरण, है ना। आपका इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस टच कर गया है ना। तो ईद शीर्षक पाठ का असलम किसके साथ रहता था, तो अम्मी के साथ में रहता था, जो कि ये कहानी हम आपको बता चुके हैं, डिस्कशन इसका क्लास में हम आप लोग के साथ में कर चुके हैं। ईद स्वर्णों की संख्या कितनी है, सॉरी हिंदी में स्वर्णों की संख्या कितनी है, है ना। तो हिंदी में स्वर्णों की संख्या आपका 11 है, जो कि ये बचपन से ही आप जानते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप अपने छोटे भाई लोग से भी पूछिएगा तो बता देगा। तो चलिए, आज का डिस्कशन यहीं पे संपन्न होता है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट अथी को लेकर के उपस्थित होते हैं, जैसे कि इंग्लिश का अभी उसका डिस्कशन हम नहीं कर पाए हैं, तो एक्सपर्ट के द्वारा आपको इंग्लिश का भी दे दिया जाएगा आपका सॉल्यूशन। और जो आप लोग के साथ जो हम बोले थे कि आप लोग दीपावली छुट्टी में घर जा रहे हैं तो एक एक पेड़ लगाना है, तो आप लोग जो भी पेड़ लगाए हैं वो इस अथी पे कमेंट कीजिए कि किस चीज़ का आप लोग पेड़ लगाए हैं, है ना। और इमेज आप लोग ग्रुप में भेज ही रहे हैं तो अच्छी बात है। थैंक यू, हरिओम।